वंदे गौमात्र गौ भक्तों आज गौ माता के लिए लाभसी की प्रसाद बन रही है और आज हमारे ऐसे प्रिय गौ भक्तों की तरफ से प्रसाद बन रही है जो हमेशा अपने शुभ कार्य हो परिवार का जन्मदिन हो चाहे कोई भी कार्य करने से पहले गौ माता से आशीर्वाद लेते हैं हमारे पूर्व उप सरपंच के लाडले गौ भक्त हंसराज जी सिनोब श्रीमान भिखाराम जी माली पूर्व उप सरपंच चौरा जो गौ भक्त हंसराज जी हमेशा मासिक सदस्य भी हैं और गौ माता के लिए तन मन धन से समर्पित हैं पूरे परिवार का जन्मदिन गौ माता के साथ मनाते हैं और आज नई गौ माता का आशीर्वाद से किया गाड़ी लेने पर गौ माता के लिए प्रसाद का शुभारंभ किया और गौ माता से आशीर्वाद लिया ऐसे परिवार को बहुत बहुत बधाई धन्य ऐसे आपके माता पिता को जो आप कोई भी कार्य करने से साथ साथ में गौ माता को याद करते हैं गौ भक्तों आजकल जीवन में पैसे कमाने के लिए भगवान ने सबको सामर्थ्य बनाया है और बहुत लोग पैसे भी कमाते हैं महादेव जी की दया है गौ माता के आशीर्वाद से लेकिन कमाने के बाद में गौ माता को याद करने वाले बहुत कम इस धरती पर लोग हैं इसलिए आज गौ माता दुखी है लेकिन आप जैसे गौ भक्त इस धरती पर हैं हर शुभ कार्य में जो गौ गो भक्त गौ माता से आशीर्वाद लेते हैं उनका कार्य फलता है फूलता है और आशीर्वाद सब चीज़ मिल जाता लेकिन आशीर्वाद बहुत दुर्लभ है आशीर्वाद लेना हर किसी के वश का रोग नहीं है माता पिता और गौ माता का आशीर्वाद गुरुजन का आशीर्वाद बड़ा सौभाग्य से मिलता है तो हमारे गौ भक्त अंसराज जी ने गाड़ी लेते ही पहले गौ माता के लिए सेवा दे करके गौ माता से आशीर्वाद लिया बहुत बहुत धन्यवाद ढेर सारी शुभकामनाएँ और इस संकट की घड़ी में लिम्पी पीड़ित में भी गौ माता के लिए खूब सेव खुद भी किया और दूसरे गौ भक्तों से भी खूब सेव करवाया बहुत बहुत धन्यवाद आपके माता पिता को जय गौ माता जय गोपाल